बोलना चाहिदा फलाने की दुकान खुली आ उहदी दुकान खुली आ साडियां खिलाओ और बड़ियां फोन कॉल्स व्यापार मंडल के प्रधान अवतार चंदी जी नोनी भाजी जां अपने अपने जिहड़े प्रधान सी उन्हां दे ट्रेड यूनियन दे उन्हां नूं आ रही सी पर असी मजबूर सी जो साडे सीएम साहब जां डीसी साहब दे ऑर्डर सी असी उन्हां दे जिहड़े बनाए गए सीगे पैरामीटर्स भी उन्हां दे अनुसार ही बाजार खुलूगा जां जो भी होम डिलीवरी सिस्टम सी जो उहनूं फॉलो कर रहे सी पर साडे शहर विच कुछ दुकानदार जिन्हां नूं करोना का कोई डर नहीं सी पुलिस का डर सी वो बेवजह दुकाना खोल के बैठे सी उहदे संबंध विच अज व्यापार मंडल सद्दे दे उपर साडे कोल साडी सब डिवीजन दे एसडीएम संजीव शर्मा जी और डीएसपी साहब सरदार प्यारा सिंह जी और एसएचओ साहब सरदार सुखदेव सिंह जी आए ने उहदे विचार विमर्श काफ़ी लंबी मीटिंग चली उस तो बाद जो भी डिसीजन सानू करोना तो बचण लई जां असीं अपने शहर नूं किवें बचाउणा साडे एसडीएम साहब सरदार श्री संजीव कुमार शर्मा जी सानू दस रहे ने भी शहर दे विच की सिस्टम होना चाहिए दा। संजीव शर्मा जी अच्छा मीटिंग तो बाद आपां इह डिसाइड कीता है कि जिस तरह पूरी सब डिवीजन च ये चलदा और जिदा डिप्टी कमिश्नर साहब दे ऑर्डरस ने कि सिर्फ असेंशियल आइटम्स जरूरी दुकाना जिन्हां च करियाना दवाइया आदि ने यह ही खुलन गिया और करियाने वास्ते जो समा डोर टू डोर सप्लाई का वो 8 to 12 होएगा दुकाना नहीं खुलन गिया करियाने दियाँ सिर्फ डोर टू डोर सप्लाई होएगी बाकी समा जरा 8 to 12 तो बाद दुकानदार जोड़े वो फोन पर जो भी सौदा आ गाहक का वो ऑर्डरस लैन गए और उस तो बाद पैक करेंगे तो जोड़ा समा 8 to 12 का आया उस समय चुनू डोर टू डोर सप्लाई देंगे दवाइया का समा जोड़ा वो थोक का तो परचून का होलसेल का और रिटेल का अलग है रिटेल ही मैंने दसा गया कि इतने रिटेल ही है तो रिटेल का समा 12 to 4 है उस समय से ही दवाइया विकन गई उस तो अगे या पिछे नहीं विकन गई और एक होर जी इंस्ट्रक्शन डीसा वालों ही बड़ी जरूरी है कि जड़ा भी कोई दवाई लैन आता किसी वहीकल पर नहीं आएगा जो किसी वहीकल पर आएगा मोटरसाइकिल स्कूटर या गड्डी पर आएगा तो जबत कर लेंगे आप कानूनी कार्रवाई भी करा जिहड़ियां धरावां च परचा बनता वो भी करा जे समा जो मैं दसिया जे इस तो अगे पिछे कोई दुकान खुलती है तो उससे भी कानूनी कार्रवाई करा एपीडेमिक्स एक्ट वो भी करा आईपीसी भी कार्रवाई करा और ये सारी जी आप प्रीकॉशन लै रहे हैं मैं सख्ताई नहीं कह प्रीकॉशन ने सावधानिया ने यह सावधानिया सिर्फ इस करके लै रहे हैं ताकि जोड़ा अपना इलाका है अपने इलाके के लोग ने इस बीमारी तो गंभीर बीमारी तो मैं कह बचे रह सकन तो ये बिना इलाके के लोगों के सहयोग तो बिना पॉसीबल नहीं हो सकता तो मैं ये नाल एक भी रिक्वेस्ट करा बेनती करा कि सहयोग भी पूरा देन पुलिस प्रशासन वालों सिविल प्रशासन वालों और हर सरकारी महकमे वालों जिन्हों भी ड्यूटियां लगियां कमेटी वालों नगर पंचायत वालों सारे वालों पूरा तनदेही काम किया जा रहा और जे इदा ही मैं सहयोग मिल भी रहा इदा की गल नहीं कि सहयोग नहीं मिल रहा किसी किसी जगह जिथे भी प्रॉब्लम आती आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं तो जे इस तरह ही क्योंकि सरकारी इंपलॉयज़ ने तो अपना काम करते ही रहना ड्यूटी बाउंड है आप करना पर जे इस तरह का ही सहयोग जरा इस तो भी वध जे आप मिलता है तो मैं यकीन है कि 100% आप इस बीमारी पर काबू पा के जंग जी आप जित लें धन्यवाद बाद